आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसी सजेशन हमें कल की वीडियो में काफी ज्यादा मिली थी, जब हम लोगों ने 777 चार्ली का ट्रेलर देखा था। तो एक और ट्रेलर हम लोगों को सजेस्ट किया गया था, वो कौन सा ट्रेलर है बताएंगे? टाइटल है विक्रम और इसका टीजर जब आउट हुआ था तो आई थिंक हम लोगों ने देखा था। और इस मूवी की डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्ट किया है लोकेश ने, और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें है कमाल और आर महेंद्रन, और कास्ट में भी कमल हसन है इसमें, और विजय सेतुपति जी हैं, और फाहद फासिल हैं, बिल्कुल, और साथ में नारेन हैं और अर्जुन दास हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। காடு நோண்டிருந்தார் சிங்கம் புலி சிறுத்தை வேட்டைக்கு போகும் மான் தப்பிக்க பார்க்கலாம் ஆனா அதுக்குள்ள அஸ்தமனம் ஆயிடுச்சுன்னா காலையில விடியலை பார்க்க போறது யாருங்கிறத இயற்கை தான் முடிவு பண்ணும். இந்த காட்டுல யாரு எங்க எப்ப விடியல பார்க்க போறாங்கறத முடிவு பண்றது இயற்கை இல்ல. ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எங்களுக்கு இல்ல, உங்களுக்கு இருந்தா மீறப்படும். ஒரு முகமூடியே கழட்டணும்னா இன்னொரு முகமூடி போட்டவனால தான் முடியும். என் சரக்கு என் கையில கிடைச்சுன்னா உன் கவர்மெண்ட்ல நான் வர தேவையில்லை. என் கவர்மெண்ட் என்னால உருவாக்க முடியும். யோ, உங்களுக்கு டெரரிஸ்ட்க்கு என்ன வித்தியாசம்? ஒன் மேன்ஸ் ரெவல்யூஷன் இஸ் அனதர் மேன்ஸ் டெரரிசம். சார், நம்ம வெளியே வராதபடி சந்தனத்தோட சுத்தி வளர்த்து என்ன சார் பண்றது? இந்த மாதிரி நேரத்துல வீரங்கள் அடிக்கடி சொல்ற வார்த்தை என்ன தெரியுமா? भाई ट्रेलर की बात करें, उसके जो फर्स्ट डायलॉग थे कि जंगल में जो है शेर, चीता और लेपर्ड जो है वो रहते हैं और सारे जो है अपना शिकार ढूंढते हैं और जो शिकार है वो बच के भागने की कोशिश करते हैं, ये डायलॉग भी बड़ा अच्छा लगा है। well, मैं बात करूंगी कि मूवी का जो हम लोग को स्टाइल नजर आया इसमें, क्योंकि यूजली क्या होता है कि हम लोग काफी ज्यादा से मूवीज देखते हैं जिसमें यू नो डिफरेंट गैंग्स होते हैं आपस में लड़ते हैं और इस एरिया का कोई एक दादा होता है, ठीक है। मुझे थोड़ी स्टोरी उस तरह की लगी है, लेकिन ये कि जिस तरीके से हम लोगों को इस ट्रेलर में मतलब डिफरेंट फ्रेम्स देखने को मिले, कमाल के बीजीएम बहुत अच्छा था, और उसके साथ साथ मैं कहूंगी कि जो मतलब एक्सप्रेशंस थे वो बहुत अच्छे थे, डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, एक्शन बहुत अच्छा था। आई मीन लग रहा था कि किसी और ही लेवल की मूवी बनाई। इससे पहले जो हमने टीजर देखा था उसमें जो कमल हसन सर थे उनकी जो एक फर्स्ट लुक थी उसमें जो हल्का फुल्का जो एक्शन दिखाया था ना, तभी देखकर ये चीज तो कंफर्म हो गई थी कि भाई मूवी में जो है ना एक्शन जो है वो काफी ज्यादा होने वाला, क्योंकि वो एक्शन का लेवल भी उस टाइम जो है बहुत डिफरेंट था। अच्छा, वैसे मुझे तो वो भी हल्का फुल्का नहीं लगा था सच में, मतलब जो मेरे जहन में जो मेमोरी आ रही है मुझे लग रहा है तो काफी ज्यादा हम लोग को एक एक्शन देखने को मिला था। लेकिन ये कि कमल हसन सर की मैं वाकई में यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगी। आई मीन इस एज में भी आकर जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं और जो उनकी एनर्जी टू एक्सप्रेशंस और जो उनके एक्शन सीन्स है,
वो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं. लाइक एक तो मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगा है उसमें, एक तो था कि जैसे वो ऐसे आगे को पंच मारते हैं और वहां पर रुक जाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. और दूसरा जैसे ऐसे ऊपर को मारते हैं और ऐसे हो साइड से देखते हैं. हाँ, तो वो मुझे ये दो चीज मुझे मतलब एक स्वैग नजर आया मुझे. मुझे तो भाई उनके जो खास तौर पर जो जहाँ पे वो गन लोड करते हैं ना, उसमें जो उनके एक फेशियल एक्सप्रेशन थे ना, वो मुझे बड़े एक ना एग्रेसिव और अगले बंदे को जो थे ना एकदम इस तरह देखो तो अगला बंदा कांप जाता है कि बंदा मुझे इस तरह क्यों देख रहा है, उस तरह के मुझे लगे हैं. वैसे तो मुझे वैसे लिटरली ये नहीं समझ लगी कि गैंगस्टर्स की लड़ाई है या आपस में कोई रंजिशें हैं, लेकिन जो है अगर मैं जो विजय सेतुपति जी हैं उनकी मैं अगर बात करूँ, वो तो कन्फर्म है ना, वो तो गैंगस्टर बने हुए क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा लोग होते हैं. विक्रम सर के पास मुझे उस तरह लोग जो है ना वो भी लगा है कि वो भी कुछ इसी तरह के होते हैं. थोड़ा थ्रिलर मूवी है, आपको कंफ्यूज करेगी कि क्या होना है क्या हो रहा है, बट जहां तक मुझे आइडिया है. बट मुझे विक्रम की सच में समझ नहीं आई कि विक्रम क्या, मतलब क्या वो बड़े वाले डॉन है जो पहले चले गए हुए थे और बाद में दोबारा से आए, या फिर वो मे बी कोई पुलिस वाले कोप है. हाँ, तो ये भी नहीं ये पता. भी ये, ये हाँ. भी ना, इस वजह से मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा है क्योंकि ये नहीं पता चला कि गैंगस्टर मेन है कौन बीच में. वैसे अगर मैं बीच में एक बात करूँ ना, जो विजय सेतुपति सर जो है उनका एक शॉट दिखाया था जहाँ पे उनकी जो है ना बॉडी वो काफी बल्की बनाई हुई है, मुझे वो सीन काफी ज्यादा जो है वो पसंद आया, वो फ्रेम जो था. यार वैसे बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है. हम लोगों ने कुछ दिन पहले उनका एक गाना देखा था जो कि अनफॉर्चुनेटली ब्लॉक हो गया, और वो था दिपम कुछ इस तरह से गाना था. उसमें मैं देखती हूँ बिल्कुल टोटली डिफरेंट लग रहे हैं, और इसमें जब मैं देखा बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं. और फाहद फासिल को तो मैंने फर्स्ट टाइम जो है हम लोगों ने पुष्पा मूवी में देखा था, और बहुत अच्छे एक्टर हैं, और आई एम श्योर इसमें भी बहुत ज्यादा मतलब उनको उनके जो रोल है उनको देखने का मजा आएगा. बट पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है मैं बार बार यहाँ पर म्यूजिक की तारीफ करूँ, क्योंकि जो म्यूजिक है वो अनिरुद्ध ने दिया है, और मुझे बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा म्यूजिक लगा है. आई मीन एक होता है कि आप ना जब इस तरह की कोई एक्शन मूवीज देखते हो तो यूजली क्या होता है कि आपको बड़ा कन्वेंशनल चीजें देखने को मिलती हैं और वही म्यूजिक आपको सुनने को मिलता है डुजुम डुजुम इस तरह. इसमें थोड़ी ना एक अलग ही वाइब थी इसके बैकग्राउंड म्यूजिक में, और स्पेशली जो मैं कहूँगी कि बीच में मे बी रैपिंग या सिंगिंग जो भी हम कहेंगे जो की गई है वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है. भाई ट्रेलर में खास रूप से जब हम देखते हैं ना तो नो डाउट आपको बैकग्राउंड जो साउंड्स होते हैं या इफेक्ट्स होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा जो है ना इम्प्रेस करते हैं आपके, आपको जो है ना पूरा ट्रेलर देखने पर या आपको वो मूवी तक लेकर जाने में वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखते हैं. वैसे मुझे एक और चीज जो है वो क्योंकि छोटे छोटे जो साउंड्स होते हैं वो मुझे बहुत यू नो वो इम्पैक्ट करते हैं. खास तौर पर भी जब स्टार्टिंग में जो सीन आया था ना जो ये गर्दन हिलाते हैं तो वो हड्डियों की एक आवाज आती है, तो वैसे तो हमारे तो जब वो दर्द शर्द होती तो यूं करते हैं ना तो फिर आवाज वैसे आती है, लेकिन नो डाउट ये जो छोटे छोटे साउंड्स होते हैं ना यहाँ पे बहुत इम्पैक्ट डालते हैं. वेल ओवरऑल मुझे तो बहुत मजा आया देखने का, एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा. आप में से किस किस को किस किस की एक्टिंग जो है वो सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि भाई जो तीनों लीड रोल के एक्टर्स है ना तीनों कमाल के हैं. यानी कमल हसन सर की अगर हम लोग बात करें, या हम विजय सेतुपति जी की बात करें, या फिर हम लोग फहद फासिल की बात करें, तीनों के तीनों मैं कहूंगी बहुत कमाल के एक्टर हैं अपनी जगह पर. तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप सबसे बड़े फैन किनके हैं और आप वैसे किसकी हैं. मुझे ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने कमल हसन जी की जो सबसे ज्यादा बहुत मतलब मूवी देखी वो 4420 देखी हुई है. तो जो अगर मैं साउथ की मूवीज के लिहाज से देखूँ तो मैंने उनकी साउथ की मूवीज इतनी देखी नहीं, लेकिन ही इज वेरी फाइन एक्टर और मजा आता है उनकी एक्टिंग देने का. मतलब कमाल की मूवी थी 4420, आप जितनी मतलब मर्जी देखो, बचपन में मैंने बहुत देखी है तो आप काफी ज्यादा ना इंजॉय करते हो. फिर विजय सेतुपति जी वो मैं कहूँगी हाल हवाल में ही इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारे से, बाकी लोगों की बात नहीं करी तो इसलिए मुझे उनके बारे में इतना पता नहीं. बट हाँ मैंने जितना भी उनका काम देखा है वो अच्छा, आई थिंक मास्टर मूवी में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम उनका देखा था. और फिर उसके बाद फहद फासिल की अगर हम बात करें तो उनकी एक्टिंग कमाल की है. मुझे पुष्पा में उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि अभी जब पुष्पा का सेकेंड सीक्वल आएगा तो जब हम उसमें देखेंगे तो डेफिनेटली मतलब चैप्टर 2 में मुझे लगता है कि उनका जो रोल है ना वो कमाल का होगा. वो एक्टिंग बहुत अच्छी करने वाले, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि एक उनका जो खास ऊपर क्योंकि नेगेटिविटी वाला ही रोल बनाया हुआ ना उसमें भी, तो वो जिस तरह के उनके एक्सप्रेशन है, जिस तरह की एक नेगेटिव एनर्जी अपने कैरेक्टर से छोड़ रहे थे ना पुष्पा में,
कमाल थी वो। तो मेरे लिए तो सारी अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं, और मौजम का मुझे नहीं पता कौन है यार। मैं अगर बात करूँ तो तीनों एक्ट्रेस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। मुझे साउथ की इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर आप किसी लीड एक्टर को जो है ना, इनके जो हीरो आ रहा है उसे भी अगर आप विलन का रोल देना चाहें ना, तो उसे भी बड़ी बाखूबी निभाता है। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है साउथ के एक्टर की, यानी कि अगर हम रोल जस्टिफाई हो रहा है। हम अगर बात करें ना ऑन दी अदर साइड दूसरी इंडस्ट्रीज की, तो वहां पर हीरो जो होते हैं ना, हम उसे पूरी जिंदगी हीरो ही देखते हैं, लेकिन साउथ में हमें जो है ना एक वैरायटी देखने को मिलती है, मतलब कि हीरो विलन का रोल भी प्ले और बहुत अच्छे तरीके से। और ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ हमें जॉइन हमारे वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर। गुड बाय।